सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी उपायों के वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 16 मई के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2078 मास चल रहा है बैशाख का, तिथि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी की तिथि रविवार का दिन है, नक्षत्र याद्रा, योग है शूल और करण है वृष्टि। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी भी व्यक्ति पर बहुत आसानी से आंख बंद करके भरोसा मत करिए। ओम मायने नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और क्रोध करने से आपको बचना चाहिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कोई बड़ा सरप्राइज आपको मिल सकता है। ओम भक्ति प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी की निंदा करने से आपको बचना होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज सारा काम प्लान बना करके करना चाहिए, जिससे आपको काम को निपटाने में आसानी होगी। श्री काल भैरवाष्टकम का पाठ करें, मांसाहार का सेवन और प्रयोग करने से आपको बचना होगा। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए खर्चों पर कंट्रोल रखें, वरना आने वाले समय में गंभीर आर्थिक समस्या में आप घिर सकते हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ करें और काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आपको बचना चाहिए। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले अच्छी तरीके से सोच विचार कर लेना चाहिए। गणेश चतुर्थी का पाठ करें और आत्मविश्वास में कमी ना होने दें। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके अंदर जो धैर्य की कमी है उसे दूर करने की आवश्यकता है। शनि चालीसा का पाठ करना आज आपके लिए कल्याणकारी होगा। किसी की निंदा करने से आपको बचना चाहिए। तुला राशि, तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए अपने काम को संगठित करने की आज आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए रामरक्षा स्त्रोत का पाठ करें और किसी भी प्रकार के वाद विवाद में आप बिल्कुल न पड़े। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके ज्ञान से आज सब प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए आज आपको अपने ज्ञान, अपनी जानकारी, अपने आइडियाज़ लोगों के साथ बांटना चाहिए। दुर्गा चालीसा का पाठ आपको भी करना चाहिए। भाई बंधु के साथ वाद विवाद करने से आप बचें। धनुराशि, धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए आज कोई बहुत अच्छे जॉब का प्रस्ताव आपको मिल सकता है। ओम श्री नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए और वाहन का प्रयोग बहुत सावधानी से करें। मकर राशि, मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आत्मसंयम बना करके रखें, वरना बनता हुआ काम बिगड़ सकता है। श्री गोपाल सहस्रनाम स्त्रोतम का पाठ करें और बड़े बुजुर्गों का दिल दुखाने से आपको बचना होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज जितना हो सके अपने आसपास के लोगों से सीखने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण सहस्रनाम स्त्रोतम का पाठ आपको करना बहुत कल्याणकारी होगा। वाणी पर नियंत्रण आप किसी भी स्थिति में मत खोइए। मीन राशि, मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए कोई नया काम करने के लिए आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। संतान गोपाल स्त्रोत का पाठ करें, पार्टनर से झगड़ा या वाद विवाद आप बिल्कुल ना बढ़ाएं। तो दोस्तों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे जीवन को शुभ और सफल बनाने वाले तीन बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही चमत्कारी टोटकों के बारे में। तो पहला उपाय, पहला टोटका क्या है, आइए समझ लेते हैं। जब भी किसी खास काम के लिए आप घर से बाहर निकलें, तब आपको ये उपाय करना चाहिए। उपाय के अनुसार घर के बाहर शुद्ध केसर से स्वास्तिक बनाएं और उस स्वास्तिक पर अक्षत यानी साबुत चावल और पीले रंग के पुष्प समर्पित करें। इसके साथ ही घर से बाहर निकलते समय सीधा पैर सबसे पहले बार आपको घर से बाहर रखना चाहिए। इससे काम में सफलता मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। दूसरा टोटका जो है वो दरिद्रता से मुक्ति के लिए है। दरिद्रता से मुक्ति के लिए नियमित रूप से रामबाण उपाय ये किया जा सकता है। ये उपाय किसी तालाब या सरोवर पर ही किया जाना चाहिए जहां मछलियां हो। प्रतिदिन आटे की 108 गोलियां बनाएं और ये गोलियां मछलियों को खिलाएं। ये उपाय बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही जल्दी इसके सुफल आपको दिखने लग जाते हैं। मछलियों के लिए आटे की गोलियां डालते समय लक्ष्मी मंत्र, कोई भी लक्ष्मी मंत्र मन में आप ध्यान और जाप करते रहें। तीसरा उपाय ये है कि अगर आप लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं और कड़ी मेहनत के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तब आपको नींबू का ये टोटका करना चाहिए। ये उपाय सूर्यास्त के समय किया जाना चाहिए। एक बड़ा और पीला नींबू ले लीजिए, बेदाग नींबू ले लीजिए। उस नींबू को 4 बराबर टुकड़ों में काट लीजिए। इसके बाद किसी चौराहे पर चारों दिशा में फेंक दें और घर लौट करके चले आएँ।
घर लौटते समय पीछे पलट करके आप न देखें, ये उपाय लगातार 9 दिनों तक किया जाना चाहिए, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको मेरे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वह निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए, देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। नमो नारायण। हर हर महादेव। मित्रों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मेरे चमत्कारी उपाय, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, दैनिक राशिफल, व्रत त्योहार, वैदिक पूजा पाठ के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के निशान को भी दबाएं जिससे कोई भी उपाय आपसे मिस ना हो जाए। परेशान बिल्कुल भी ना हो, जीवन में यदि समस्याएं हैं तो शास्त्रों में उसका समाधान भी है। मित्रों यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग के करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9997241। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पर व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, shama.vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं, ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।